दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय HRS ऑटोमोबाइल, को स्पॉन्सर्ड बाय डाइटिशियन पायल भाटिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मेयर अवनीत कौर ने नैनगांव स्थित गो अभ्यारण्य का किया दौरा, 2 लाख रुपए प्रति माह देने की घोषणा। कॉलेजों में नए सत्र में दाखिला लेने के लिए 21 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, 26 सितंबर को जारी होगी पहली मेरिट सूची। हरिनगर के एक युवक ने 4 महीने पहले युवती को धमकाकर किया विवाह, अब मारपीट कर घर से निकाला तो पति ने महिला थाने में की शिकायत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से थाने स्लम एरिया में बच्चों में कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया गया अभियान। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा ने स्थानीय सेक्टर 12 स्थित मदर टेरेसा होम और शिवनगर स्थित बाल श्रमिक पुनर्वास केंद्र का किया निरीक्षण। 3 दिन में 3 महिलाओं की हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए SP मनीषा चौधरी ने गठित की SIT, अभी तक मृतक महिलाओं की नहीं हो पाई पहचान। रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में मनाया गया हिंदी दिवस। जिले में कल मिले 121 कोरोना पॉजिटिव, 261 ने जीती कोरोना से जंग, बिजली निगम भी कोरोना की चपेट में, 3 अधिकारी पॉजिटिव। विधायक प्रमोद विज ने GT रोड स्थित अपने कार्यालय में शहरी क्षेत्र के पार्षदों के साथ की बैठक में निगम के अधिकारियों को बुलाकर वार्डों में विकास कार्यों का एस्टीमेट जल्द तैयार करने को कहा गया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।